शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अच्छा हो रहा बाबा, मेरा मोहिनी थिएटर का पीटी से जोकर का ड्रेस भी मिल गया। अच्छा हो रहा बाबा। आप लोग चुपचाप कहीं ना कहीं छुप जाओ। चलो छिपने का है? चलो आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे बाबा अपने घर में छुपने का, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बराबर कहने राजू। बाबू भैया चुप ना, नाम नहीं लेने का। तू समझा श्याम, ये राजू बराबर बोलता है, किसी का नाम नहीं लेने का। हो तो संभालो, नाम क्यों ले रहे हैं आप? चुप जाओ, कहीं भी पीछे जाके छुप जाओ सब लोग। अरे क्या कर रहे हो आप? तू बोला ना पीछे छुप जाने को। अरे मेरे पीछे मत छुपो, उधर जाके कहीं छुपो। जल्दी चले हो, पड़ोसियों को पता नहीं चलना चाहिए। काम करो तरीके से। अबे चाबी निकाल। पुलिस 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 पुलिस। अरे बाप रे, पुलिस है पुलिस, लेकिन इसी जोकर की ड्रेस में। अरे ये तो बाजू वाला है, ये तो धोतर चोर है रे। अरे तो फिर हम डर क्यों रहे हैं इनसे? हैं? ये असली पुलिस हमारे बाबा। लगता है खुफिया पुलिस है। साहब सीबीआई से क्या आप लोग? नहीं एसआरबी। एसआरबी? एसआरबी बोले तो स्पेशल ब्रांच के होते हैं ये, तेरे को नहीं मालूम है? भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। कोई एक दूसरे के पैर नहीं दबाएगा। नहीं करे सर। बैग पीछे करो, नीचे जल्दी। अरे हाथ ऊपर करो जोगरेस। रस्सी लेके आओ। जो कर भी रस्सी ले आओ। रस्सी तो मैं भूल गया रे राजू। रस्सी भूल गए बेवकूफ। बी कैटेगरी के सी क्लास लोग, कहीं से भी रस्सी लेके आओ। जो करार, मेरा पजामा का नाड़ा चलेगा? नहीं। ये बाबा, ये तेरे पास रस्सी है क्या घर में? रस्सी मैं थोड़ा घाई घाई में भूल गया रे। रस्सी है मगर वो क्या है कि बांद्रा में है, जाके लेके आऊं क्या? अभी लेके आता हूं। बांद्रा नहीं रे बाबा, तेरी खोली के सामने तो जिस पर कपड़ा सुखाता है ना वो रस्सी ला। जा लेके आ। लेके आऊं? लेके आना। एक मिनट। हाँ वो तेरा कपड़ा सुखा दे वही रस्सी लाना, बाजू वाले का नहीं। साहब आपका आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। ऐसा ना पिटोस पिटोस। हाँ रस्सी रस्सी लेके शाने। घूम क्या घूम क्या रिवर्स। हाँ चले गए इतने रस्सी। अबे शादी में आया जो मैं तुझे मंगलसूत्र पहनाऊंगा, बड़ी रस्सी लेके आ, वरना ये गन देगा मार मार के दो फीट का कर दूंगा, समझे? साहब हम लोग मैनेज कर लेंगे ना साहब, रस्सी ला कर लेंगे ना साहब। पकड़ो करो। जोकर भी जोकरेस, हेल्प करो, मदद करो। तेरे पीछे मैं हूँ। और सब थोड़ा थोड़ा रस्सी बांधना, चीटिंग नहीं करना। टाइट है ना? अरे साहब लूज हमको चलता भी नहीं है। गुड। हाँ निकलेगा नहीं ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सुबह तक हिलेगा नहीं साहब। जबान दिया हिलेगा तो तीन बाप का। गुड। यस सर। बाय बाय। अरे झुक के क्या कर रहे हो आप? ताला खोल रहा हूँ। अरे ताला मारने को किसने बोला था आपको? अरे ताला मारेगा तो ही बाजू वाले को लगेगा ना कि बाहर गए, ले तो लगेगा कि हम लोग अंदर बैठे हैं। ये लात मत मार, रेड़ा खोल रहा हूँ। चलो चलो। अबे मेरे को तो अंदर लो। अरे आज आज अरे बाबा मेन आइटम ही बाहर रह गया। ये ताला ये कोई अभी ये दरवाजा बंद कर दिया, फर्स्ट क्लास सब अंदर आ गए। चलो कॉस्ट्यूम पहना हुआ तुमने अभी भी। अरे की तुम वो क्या कबूतरों की तरह हवा में उड़ गए? सॉरी चल मेरे साथ, तेरे को बताता हूँ। चलो बैग चेक करते हैं। चलो माल जल्दी खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल। बहुत दिनों के बाद हरी पत्ती देखने को मिलेगा देवा। ये तो घास फूस है। घास नहीं है रे, घास के नीचे देख, वो हम लोग आम के ऊपर घास कैसा बिछाता है, असली माल नीचे होगा। तो देख आम पकाते ना वैसे माल, ये पकेगा माल। कुछ नहीं है यहाँ पर। अरे ये तो आटा है, आटा भी है इसमें। क्या मायला, ये इतना मेहनत करने के बाद में मिला क्या? गाय का चारा? और वो तोतरे सांड को क्या आटा खिलाएगा तू? बाहर डालेगा हमें।
अरे ये घास फूस नहीं है तो? ये अपना गांजा है, गांजा। चरस गांजा? हाँ, और ये हीरोइन है। कौन सा पिक्चर का हीरोइन? अरे पिक्चर के हीरोइन नहीं है, ड्रग्स है, ड्रग्स। ड्रग्स दे यार, पुलिस वालों को दे देंगे, वो कर लेंगे जो करना है इसके साथ। अरे यार बेवकूफो, अपने को लाखों चाहिए, करोड़ों चाहिए। क्या बात करता है, ये घास का तेरे को लाख रुपया कौन तेरा बाप देगा रे? ये लाखों का माल नहीं, करोड़ों का माल है। तेरे को कैसे मालूम? मेरे को सब मालूम है, मेरे को मालूम है। वो जो 4-5 करोड़ की बात कर रहे थे ना, उन लोग ड्रग्स की बात कर रहे थे। और मैं एक और आदमी को जानता हूँ जो इसकी हेरा फेरी करता है, उसको मैं जानता हूँ। हम लोगों को कम से कम 3 करोड़ रुपए मिलेगा। 3 करोड़? हाँ। 3? ये बेच के अपना कर्जा तो चुकता हो जाएगा ना राजू, तेरे को इतना मालूम है ना? सब चुकता हो जाएगा। और बाकी जो गांजा बचेगा उसकी अगरबत्ती बना के बेच डालेंगे। माली माली जो मारा। सो जाओ सो जाओ, समझो करोड़पति बन गए, और टूंडे की तरह मत रहो, पांव सीधे करो। फिर हेरा फेरी। वेलकम टू दुबई भाई। कुछ और काम का क्या हुआ? एकदम मस्त, रोज भाड़े पे जाती है 8-8 घंटे। लड़की भाड़े पे जाती है? लड़की नहीं भाई, गाड़ी। मेरा रेंट कार का धंधा है ना, आपकी वजह से टॉप चल रहा। अरे मैं ताने के बारे में पूछ रहा हूँ। अरे भाई उसने अपना नाम बदल लिया, नताशा रख लिया। इंडियन एम्बेसी में मैंने सब पता किया, ये रहा पता। शाबाश, काम कर रहा फटाफट आजकल तू, वेरी गुड। क्या ना भाई, चले। वाह क्या बंगला है भाई, बहुत अच्छा। क्या बात, वो है बंगला। अच्छा ये एक बालकनी, 2 खिड़की, 1 मेन गेट। झाड़ कौन सा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लिख लेता हूँ। तू दलाल है? हाँ हम लोग जासूसी करने आए हैं ना, यहाँ एस्टेट एजेंसी खोलने नहीं आए। ये छोड़, ये पकड़। भाई ये बहुत अच्छा किया आपने, डंडा लिया। यहाँ के लोग कुत्ता बहुत पालते हैं, पता नहीं। ये माइक है। मैं कुछ बोलूं? अबे बोलना नहीं है इसके अंदर, इससे सुनना है। अच्छा अच्छा, तू वहां जा, मैं सुनता हूँ। आप इससे सुनेंगे? अबे यार इससे सुनूंगा नहीं, इससे देखूंगा, सुनूंगा इससे। तू जाना यार, तू जा यार प्लीज। आई आई उल्टा उल्टा, तू उल्टा नहीं, माइक उल्टा, माइक उल्टा, माइक उल्टा कर। कैसी है नताशा, सेक्सी है ना? ये नताशा है या 70 mm का तमाशा है? ये देख, बड़ी जूनी पुरानी आइटम है। ये करण लगता है कोई भंगार वाला है। नताशा, ये बार बार खुद को क्यों बुला रही है? पता नहीं। नताशा क्या हुआ स्वीटी जी? क्यों चिल्ला रही हो? नताशा आदमी है क्या? पता नहीं इसने अपने नाम के साथ क्या क्या बदली किया। मेरे को तो ये आदमी करण ना फुल ऑफ डाउट लगता है। शूटिंग को देर हो रही है, नताशा कहाँ है? स्वीटी जी नताशा अपने कमरे में है। आंटी सॉरी आंटी, आई एम लेट, बस 5 मिनट और, ओके? जल्दी आओ। ये है नताशा। 100% यही है नताशा। हाय गोलू, पता है आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मेरे वीडियो एल्बम की शूटिंग है। अगर तुम मेरे साथ होते तो मेरी खुशी दुगनी होती। आई मिस यू। वी मिस यू टू। अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? और तुम अपने आप को अकेला क्यों समझती हो? इस घर में मैं तुम्हारे साथ हूं। वो देखो, जयंती लाल और टॉमी भी तुम्हारे साथ हैं, है ना? चलो चलो, कम ऑन, हरी अप, शूटिंग में देर हो जाएगी। चलो चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। हाँ गाड़ी तो स्टार्ट करो। माफ करना भाई, माफ करना मुझे। नहीं, मैं जा रहा था।
माफी चाहता हूँ मैं आपसे। कोई बात नहीं, आइए मैं आपको रास्ता इधर है, मुझे मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वरना मैं सीधा जा रहा था। चल चल जल्दी चल भाई, ये तो उतारो। तू चल यार, बेचारा लकी, लकी मुझसे बात करो, लकी, लकी, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, लकी, मुझसे बात करो, क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में, लकी, लकी मेरे बच्चे, नहीं अंकल, आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि क्योंकि यही लकी की आखिरी इच्छा थी सर। आखिरी इच्छा? मगर ऐसा क्यों कहा लकी ने? क्यों कहा? मैं बताता हूँ, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। हम कभी आपसे झूठ बोल सकते हैं क्या? हम पर भरोसा नहीं है सर। इधर ही आया, इधर ही आया। क्या हुआ? आपके मामा जी बहुत ग्रेट है, हम सब की मुसीबतें अपने सर ले ली। वो देखो अंकल, अंकल कंट्रोल, अंकल कंट्रोल। ये हमारे बेटे को अंकल क्यों कह रहा है? बेटे को नहीं, आपको अंकल बोल रहा है सर। वो मगर इतना रो क्यों रहा है? ये लकी का बहुत अच्छा बीड़ू हो गया था सर। बीड़ू इंग्लिश में बोले तो बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। मैं उसको समझा के आता हूँ। राजीव, ना ना मुन्ना, मैं जिंदा है, जिंदा है। कौन जिंदा है? लकी, लकी हमारे हमारे दिलों में जिंदा है, ये हमारे दिलों में जिंदा है। तेरा मामा जिंदा है, समझ जा तू। लकी कहाँ है? लकी कहाँ है? कहाँ? यही कहीं छुपा है। कौन? लकी। मशरूम उदय जी सर, ये लकड़ियां क्यों गिर रही हैं? अब तो चिता भी डेड बॉडी को बुला रही है। जी सर कंट्रोल। ए राम, मर गया। साइड प्लीज। आराम से मामी, आराम से, आराम से। संभालो, संभालो। मामी आ गई। शर्म नहीं आई तुझे? मुझे बिन बताए इनका अंतिम संस्कार करने चला था तू, मुझे इशारा करता है, कह रहा कि चुप रहो। अरे कम से कम आज के दिन तो मुझे रोने दे। बर्बाद हो गई मैं, बर्बाद हो गई। ये औरत ने अपनी चूड़ियां क्यों तोड़ ली? बर्बाद हो गई। ये कौन है? ये डेड बॉडी की बीवी है सर। डेड बॉडी की बीवी है? लेकिन लकी ने शादी कब की? हमें बताया क्यों नहीं? शायद ये राज भी इसी के साथ चला। ये राज अपने राजीव को जरूर मालूम होगा सर। हाँ, राजीव भाई आप ही बताओ ना। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। यही कि ये लड़की अच्छे घराने की है, अब ये दोनों ने शादी कर ली। लड़की के माँ बाप ने ये शर्त रखी कि लड़के का बाप यानी कि
आप अंडरवर्ल्ड की नौकरी जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक ये आपस में शादी के बाद भी मिल नहीं सकते। बराबर इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। बस 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 चल राजा। सॉरी अभी अंकल जी उसको जी उठाए उसे ले चले अंकल। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। ये क्या सचमुच जलाने लेके जा रहे हो? सत्य है। आपको कवर कर लीजिए। जल्दी निकलो 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 निकलो। राम नाम चल चल चल। राम नाम सत्य है। 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 राम नाम मुझे क्या तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। मेरे सीने पे तो सर रख के रो रहे थे आप सर। तुम्हारे सीने पर? हाँ सर। दुख में तो पता ही नहीं चलता ना कौन किसके सीने पे सर रख के रो रहा है। सर ये जिंदा है। इशिका देखो ये जिंदा है। This is called true love. Poor woman. लकी के प्यार ने इसे पागल कर दिया है। लकी? कौन लकी? अंकल जी, अंकल जी, चिता को आग दीजिए और हम लोगों को फ्री कीजिए, प्लीज। आइए अंकल माइकल दादा। ये वही लौंडे हैं। पकड़। लगता है कम वक्तों का तगड़ा झुंड है सालों उनके साथ। अभी अभी डराते हैं। चल अभी ढील दे, बाद में काटते हैं। पुलिस का लफड़ा नीचे है। ये
बोला था दिखाएगा हाथी, निकली चीटी। चीटी? लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा। ये कैसा आदमी लेके आया तू? हाँ, चीटी, मामा जी, क्या बोल रहे हैं? पागल है क्या आदमी? ए चाबी दे, ए। चाबी दो, चाबी दो। ये लीजिए। अरे दाहिने हाथ से दो। ये लीजिए। कुल मिलाकर खर्चा? हाँ मालूम है मुझे, मालूम है। कुल मिला के खर्चा आपका 10,452.55 और 99 रुपए आपके रिक्शा के। बराबर बराबर याद है आपको? अरे हाँ भाई, मुझे किसको कितना देना है, कितना लेना, सब इस बोरिये के अंदर लिखा हुआ। और एक बार ये रोड पे गड़ा कर चलना शुरू हो जाए तो मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, आपके पैसे आपके ऑफिस पहुँचा दूंगा। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ ठीक। ए ढीले, जरा डीजल डाल। अभी इसने पेट भर के डीजल डाला मैंने। फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। ए लोड कर। हाँ। जरा स्क्रू ड्राइवर दे रहे। जल्दी दे, जल्दी दे। हाँ। ये लो। ये लो। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ। प्रॉब्लम क्या है? इधर से तो कुछ नहीं दिख रहा। ए माँ कर तो अंडा चिया, ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में, हट ले, हट। किधर जाने का? पत्ता बोल, पत्ता बोल। हरामी उधर उधर, तुम में से कोई भी नहीं आएगा समझे ना, सब लोग चल के आएंगे, फिर मैं चढ़ूंगा ऊपर। चलो। बंद क्यों हुआ? चल। अरे जब भी ऊपर चढ़ता बंद क्यों कर देते हो? कहां से पकड़ के लाया इसको? ये जब भी तू चढ़ता है ना ये बंद होता है, पनौती उतर उतर नीचे उतर। अब भी ठीक करके देता हूँ। आप भी ठीक करके देता हूँ। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। स्पार्क प्लग में लोचा है। ए लोनकर जी, डिब्री खोलने का पाना दे मेरे को। ये लो। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? अभी ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, गियर बॉक्स टूट गया, अभी ठीक करके देता हूँ। अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, जब से अभी ठीक करके देता हूँ, कब करेगा ठीक? गिर गर्दन घाट का नाम सुना? अरे वो कहानी मैं बाद में सुना दूंगा, आप जाके काम करो। कौन सी कहानी है? अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसका पूरा गियर बॉक्स बाहर निकालना पड़ेगा। गियर बॉक्स? फिर तो बहुत वक्त लगेगा। ये तो रोलर को खांदे बोलो, लास्ट के मामले लेके जाओ। रोलर ला खांदे और के होंदा कि रे माला भी जतरा लगे। बंद कर। करना क्या बोलो? अरे मैकेनिक को बोलो और पूरा गियर बॉक्स बाहर निकलवाओ। ये जो बोल रहा है ना करो। वो वेल्डिंग मशीन भी लेके आना, 4-5 खड्डा गिर गया उसको भरने का है। भाऊ जो बोलता कर। और कुछ चाहिए? 2-3 चाय, 1 वड़ा पाव, बिरयानी बोल दे। तो तुम मुझे नहीं जानते? नहीं जानता हूं। इसका मतलब तुमने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा? बोला ना कभी नहीं देखा है। तो फिर तुमने मुझसे पैसे कैसे लिए? कौन से पैसे? यस साला, ये बहुत ही खतरनाक, इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। साला मुझसे पैसा लेकर कह रहा है मुझे कभी नहीं देखा है? ये पुलिस नहीं है, चोर पुलिस है। हाँ। साले को मार मार के इससे उगलवाओ कि ये खुफिया लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं। बताओ हमारे धंधे के बारे में क्या जानते हो तुम? कि तुमको नहीं मालूम तुम्हारे धंधे में क्या होता है? बकवास बंद कर।
और सच सच बता गांधी के बारे में तू क्या जानता है? अरे राष्ट्रपिता है हमारे। हे मजाक बंद कर और सच सच बता तू गांधी के बारे में क्या जानता है? अरे मैं क्या सारे हिंदुस्तानी जानते उनके बारे में, मैं क्या बताऊंगा? क्या और क्या जानता है? वो जब चलते थे पूरी दुनिया उनके साथ चलती थी, वो जो साथ में चलते थे उनको दौड़ना पड़ता था। बस बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में क्या जानते हो तुम? धंधा चरखा चलाते थे। चरखा? हाँ। कैसा चरखा? सूत काटने का, खादी का कपड़ा बनाने का, आजादी की लड़ाई लड़ने का, ये सब धंधे थे गांधी जी के। है? अबे तू किसके बारे में बात कर रहा है? यार कैसे हिंदुस्तानी हो, लंदन आकर महात्मा गांधी को भूल गए क्या? अबे महात्मा गांधी नहीं, एम जी गांधी, मनु भाई गांधी के बारे में क्या जानता है? तो तू कौन है? अरे यार मेरा चंपू कहाँ है यार? अरे उसके पास बहुत पैसे है, कहीं ऐश कर रहा होगा। अच्छा? हम लोग भूखे नंगे नजर टिकाए बैठे हैं, वो किसी सेवन स्टार होटल में सेवन कोर्स मील खा रहा होगा। बॉस मैंने पकड़ से उसके दो दांत उखाड़ दिए, उसके दो नाखून उखाड़ दिए और मैंने वो भी उखाड़ दिया। क्या फिर भी कुछ नहीं बोलता है? वेरी टफ गाय। अब तू बोलेगा। मेरी सांस आ रही है। अब तेरी बहू भी जाएगी। सर देयर इज अ कॉल फॉर यू। मनु भाई गांधी हियर। नहीं 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 शेर खान मेरी बात तो एक 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 मौका और दो। क्योंकि अब की बार खुद पुलिस वाला तुम्हें पुड़िया पहुंचाएगा। अरे हेलो, अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो पप्पा मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। अरे गधेड़ा तू नहीं रे। हेलो, अरे हेलो, 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 नमस्कार, मैं हूँ देव कुमार मलिक, डी के मलिक, गोवा फ्लाइंग क्लब में आपका स्वागत है। इमरजेंसी सेवाओं में आपकी हेल्प के लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूँ यहाँ। अरे इमरजेंसी में किस कछुए को बिठा के रखा है यार, क्या इतना स्लो चल यार? नहीं नहीं आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे हम एक प्राइवेट हवाई जहाज में है, इसका पायलट बेहोश हो चुका है, हम क्या करें? अरे तो भाई फिर प्लेन कौन उड़ा रहा है? मैं उड़ा रहा हूँ, बबन बबन। हाँ तो बमन बमन, मेरा नाम एक बार बमन है। हाँ तो एक बार बमन, आपने इससे पहले कभी प्लेन उड़ाया है? अरे इसने मक्खी तक नहीं उड़ाई आज तक, आप प्लेन को नीचे उतारने के बारे में बताइए ना। अरे भाई देखिए क्या है कि प्लेन लैंड कराने से पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए और उड़ाने से पहले हमें प्लेन के बारे में जानना चाहिए। तो क्या है कि इस वक्त जिस प्लेन में आप सफर कर रहे हैं वो 2084 किलो और 300 ग्राम का है। पिस्टन टेक्नोलॉजी, दो प्रोपेलर और दो पायलट कंट्रोल वाला एक प्राइवेट प्लेन है। दो इंजन, दो फैन और पहिए तीन। अरे नीचे कैसे उतरे? उतरने के लिए दो द्वार पीछे और एक इमरजेंसी द्वार कॉकपिट में है। और कुल मिलाकर बात यह है कि यही है बचाना चाहिए। अरे मगर वो हमारा ड्राइवर भी नहीं है। तो क्या हुआ, वो हमारी वजह से प्रॉब्लम में पड़े? मगर हम तुम्हारी बात क्यों माने? क्योंकि मेरे पास सारी चॉकलेट्स है। तो बचाना पड़ेगा। चलो चलो चलो, रस्सी लेके आता हूँ। हटो लगता है मैं सचमुच हैंगिंग गार्डन में हूँ कि झूला झूलने चले? बकवास बंद कर, और नीचे कैसे उतरना है वो बता जल्दी।
अरे भाई जल्दी का काम शैतान का होता है, इंसानों को धैर्य रखना चाहिए। अभी आप अपने एकदम ठीक सामने देखें, आपको क्या दिखाई दे रहा है? मौत! नहीं नहीं, मौत से पहले आपके सामने एक बड़ा सा गोल व्हील है। हाँ, है, है। व्हील के साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था। हाँ? वो बटन दबाने से मेन इंजन बंद हो जाता है। सुनता नहीं यार। अब कुल मिलाकर बात यह है कि आपका मेन इंजन बंद है पर दूसरा इंजन चालू है। थैंक गॉड, दूसरा इंजन चालू है। नहीं नहीं, इंजन चालू है मतलब कंपनी का नहीं है, चालू क्वालिटी का है। फिलहाल चालू है मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। ओ खुदा!